बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बाबू जदून और आप देख रहे हैं जदून फ्री मिक्स यूट्यूब चैनल। कहाँ जा रहे हो भाई? हसन पीर, वाह 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 वाह, हसन पीर, चलो अल्लाह रहम करे। यार इस तरह मैं भी आदमी धोना चाहता हूँ। ठीक है, जबरदस्त, बहुत मजा आएगा, थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगा। ठीक है, माशाल्लाह जी जी, इसे काफी एंजॉयमेंट हुई हमारी। साइकिल पे आते हो तो जाहिर है सारा जिस्म मिट्टी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही बहुत मजा आया, बहुत जबरदस्त फ्रेश हो गया हूं मैं, माशाल्लाह। परवेज भाई राशा खुद ही इंजरी का ना तू इंजरी के ओबस्ते ना गोवा बचू था वो तुमरा देसी दस्तर को मर गुना बरार खीरे मीरे लच्छी लगता था। हां सड़े लगता था शिकर है। हां खुश हो आबाद हो। प्रीमैक्स कराची की जाने, प्रीमैक्स कराची की जाने, जो डाड़े परवेज भाई प्रीमैक्स मतवाले उसके मतवाले आज नाम लिया मेरे चैनल का यार परवेज भाई, जदून प्रीमैक्स। इंशाल्लाह हम लोग भी अल्लाह ने चाहा तो आप लोग बहुत खिदमत अंजाम देंगे इंशाल्लाह, बड़े बड़े हम लोग क्लिपे बनाएंगे और भेजेंगे बाबू भाई इंशाल्लाह, जिससे आप इंजॉयमेंट करेंगे, इंजॉयमेंट करेंगे और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छे से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करना। जबरदस्त, ये भी खान भी लगे हुए हैं, खान और सलमान भी फ्रेश हो रहे हैं भाई दोनों, ताजा ताव अभी इधर को हम तुम लोग मान जाऊंगा सही बात, पानी है टमाटर पानी का असर है ताकत है ये बड़ा चीज है। इसके या फ्रेश मीट हो जाएगा जदून फ्री मैक्स। बाबूजान इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करें। जबरदस्त, जदून फ्री मैक्स की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाकिर हुसैन, जदूर फ्री मैक्स की तरफ से आपके साथ फिर मौजूद। ये देख सकते हैं हमारे गैदरिंग के बंदे इस वक्त असल पीर में इंजॉय कर रहे हो, खाना खा रहे और ये हमें संडे का दिन है, पिकनिक गांव में निकले हुए और ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है और हमारे पास एक छोटा जैसा मज़ार भी है, हसन पीर के नाम से मशहूर है और ये हॉक्स बे के साइड से आप उल्टे हाथ की तरफ मुड़ के और इस तरफ आता है और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी हरियाली है और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, आप देख सकते हो चारों तरफ पहाड़ी। वो हमारे बंदे खाना खा रहे
और ये मैं आपको मज़ार दिखा देता हूँ। ये असल पीर की मज़ार है। हसन पीर के दरबार पे ओबे से थोड़ा आगे तो वहाँ पे दरबार पे हम आए हैं और बड़ी पुरसकून जगह है। कराची के बिल्कुल करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैंने सोचा चलो यहाँ कभी एक नज़ारा आप लोगों को दिखाया जाए। मुझे तो देख के बहुत मज़ा आया। अभी मैं कैमरा घुमाऊँगा तो सारा इंशाल्लाह ताला आप लोगों को नज़र आ जाएगा। तो इस पीर साहब का नाम क्या है वो भी देखते हैं ज़रा। और आम तौर पर लोग जो है ना हसन पीर के नाम से इस जगह को पुकारते हैं, हसन पीर। तो आज हमारे एक दोस्त ने फरमाइश की कि चलते हैं हसन पीर की तरफ। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, बताओ। तो यहाँ पे आपको सुकून बहुत मिलेगा। ये आप देख सकते हैं दूर दूर तक बहुत खूबसूरत माहौल में बहुत ज़बरदस्त एनवायरनमेंट बना हुआ है। यहाँ ऊँट नज़र आते हैं, वो देखें आप, ऊँट गुजर रहे हैं वहाँ पे। शायद आपको उसमें से ज़ूम करके दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं ऊँट गुजर रहे हैं, ये देखे आपने, ठीक है नाजरीन। तो ये पहाड़ी इलाका है और इंतहाई खूबसूरत। ये हम 6-7 बंदे यहाँ पे आए, 6 बंदे 3 मोटरसाइकिलों पे। ये मेरे साथी खड़े हैं सब। यहाँ पे चाय नाश्ता किया तो सिगरेट विगरेट पी रहे, तो मैंने कहा चलो ज़रा मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेता हूँ। नाजरीन नज़ारा देखते जाएं, बाकी मैं क्या कहूँ। अभी मुझे मेरे पास तो बोलने के लिए मज़ीद अल्फाज भी नहीं रहे, तो बस आप देखते जाएं नज़ारा। और ईद की छुट्टियों में बकरीद भी आ रही है, ईद की छुट्टियों में अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हो तो बहुत पुरसकून, बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है यहाँ का। आप लोग भरपूर इंजॉय कर सकते हो यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह कि सुकून बहुत है। ये आप देख सकते हैं हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, कोई यहाँ बैठे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे लाइक करें, दोस्तों का ज्यादा शेयर करें।
आज एक बार फिर एक वीडियो के साथ। इस बार हम निकले बलूचिस्तान के हिस्से में। हम कहे कि आप भाई और दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ, निकले हम निकले यार दोस्तों के साथ, हमने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये कुछ बलूचिस्तान का इलाका है, ये हम ट्राई कर रहे हैं और आगे आगे आपको भी पूरा मंजर दिखाएंगे और आप देखते रहिए और इंजॉय कीजिए। चलो भाई वापसी कर रहे हैं अभी घर की तरफ, तो अल्लाह से खैर की दुआ मांगते हैं पहले कि हम सब खैरियत से पहुंचे इंशाल्लाह। चलो भाई अपना अपना गाड़ी स्टार्ट करो यार। गरीब लोगों के कच्चे मकान है, ये भी देख लो, आपको अल्लाह ताला ने अच्छे मकान दिए तो शुक्र अदा करो। ये देखो ये गरीब लोगों के।